अतीक हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पुलिस कुछ देर में जारी करेगी एक प्रेस रिलीज, क्योंकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान आ ही नहीं रहे हैं इस मामले में। पुलिस ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या। अतीक अशरफ हत्याकांड पर मीडिया ब्रीफिंग नहीं की जाएगी, ये सवाल आ रहा है। इससे पहले कुछ देर पहले खबर आई थी कि ब्रीफिंग हो सकती है, अब खबर है कि कोई ब्रीफिंग नहीं होगी, सीधे एक प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। विपिन, तो आप तो लगातार जब से असद हत्या का असद का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद से लगातार आप प्रयागराज में हैं और तब से आप वहां पर लगातार कवर कर रहे हैं। असद एनकाउंटर में पुलिस ने बड़ी तेजी से सब कुछ बताया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खुद ADG लॉ एंड ऑर्डर सामने आए थे। इस पूरे मामले में पुलिस की चुप्पी भी बड़ी चौंकाती है, आखिर क्यों नहीं इस बारे में कुछ बोला जा रहा। देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास पर इतना बड़ा डेंट है, इतना बड़ा डेंट, इतना बड़ा धब्बा, इतना बड़ा दाग आज तक के इतिहास में नहीं लगा। पुलिस जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया और आखिरकार पुलिस के पास एक्सक्यूज क्या है। तमाम सवाल ऐसे हैं जो पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं कि फोर्स कम क्यों की गई और इतनी लापरवाही क्यों बरती गई। जब आप साबरमती से ला रहे थे प्रयागराज तक, तब सिक्योरिटी के अरेंजमेंट इतने अच्छे क्यों थे और अब प्रयागराज जाने के बाद जब आपने रिमांड पर ले लिया तो इतनी हीला हवाली क्यों। अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी पर एक्शन क्यों नहीं, पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को देना है, लेकिन पुलिस चुप्पी साधे हुए है। और यहां तक कि कुछ अधिकारियों के लखनऊ से यहां आने की भी खबर थी, लेकिन अब तक कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया है। और खुद मैं आता हूं आपके पास और पुलिस की चुप्पी पर आगे भी बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट से उनसे पूछेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई, पुलिस आज ही तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी, यह जानकारी आ रही है। क्योंकि समय बहुत कम बचा है कोर्ट का, तो कब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा यह भी अब देखना है। पुलिस आज ही तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी, ये तीनों आरोपी तीनों जो पकड़ में आए पुलिस के उनको पेश किया जाएगा। विपिन, इस बारे में क्या जानकारी है? सहयोगी पंकज झा ने इस खबर को ब्रेक किया। पंकज जी, तीन आरोपी जो हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, जिसमें एक घायल भी हुआ था, अस्पताल में भर्ती था, अब तीनों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी, कितनी देर में और उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है? देखिए, नियम होता है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उसी के तहत जो लवलेस है, जो कि घायल था गोली लगने से, पर उसकी ऐसी स्थिति है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, एक मजिस्ट्रेट होता है इसके लिए। तो तीनों आरोपी को पेश किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी मिलेगी, उसके बाद देखना होगा कि अगर जरूरत पड़ती है तुरंत तो फिर पुलिस कस्टडी में लेके आगे की। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मैं जरा उज्जवल निकम जी को लाना चाहता हूं। उज्जवल सर, जरा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप कुछ बता रहे थे और यूपी पुलिस पर कुछ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, उस पर भी आप जरूर अपनी एक्सपर्ट व्यू रखिए। देखिए, ये बात जरूरी है कि अतीक और अशरफ की हत्या से कई सवाल आज खड़े हुए हैं। पहला सवाल तो यूपी पुलिस की क्या नाकामी भी है, क्या यूपी पुलिस का इंटेलिजेंस फेल हो गया। दूसरी तीसरी बात तो यह है, अगर ये आरोप अभियुक्त का माना जाए कि जो अब प्रेस रिलीज हो रहा है कि हम कुछ हमारी गैंग का हमारा नाम होना चाहिए, इसका मतलब है क्या दूसरी एक गैंग दूसरे गैंग पर सुप्रीमसी पाने के लिए उन्होंने ये हत्या की है। और चौथी बात जो बड़ी अहम बात है, क्या यूपी में भी अभी गैंग वॉर चालू है मर्दस्ता। और इसलिए मुझे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट को बड़ी बात ये हत्याकांड गंभीरता से लेना होगा। दूसरी बात यह है, इस पूरी मामले में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसलिए कि अशरफ और अतीक ने कहा था कि अतीक ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज किया है पिटीशन फाइल करके कि मेरी हत्या हो सकती। क्या उसकी सिर्फ एक एप्रिहेंशन था, क्या सचमुच उसे कोई डाउट था? और उस इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की भी मुझे लगता है ये पूरी मामले पर नजर रहेगी। वही सवाल है क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हमारी हत्या हो सकती है और उसी के बाद उनकी हत्या हो जाए, तो फिर सवाल तो बहुत खड़े होते हैं यूपी पुलिस के खुफिया तंत्र पर भी और यूपी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी और तमाम सारी चीजें हैं जिनको उनका जवाब देना पड़ेगा।